तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो शो होगा। तो आप यहाँ से YouTube 16:9, Instagram 1:1, TikTok एंड शॉर्ट्स 9:16, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे शॉर्ट्स, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट्स का क्लिप लेती हूँ, तो आपको और समझ में आना चाहिए आप शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियोज में कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा क्लिप लिया है शॉर्ट्स का। ओके, तो इसको मैं अब प्ले करूंगी। इस साल मिस्टर बीस्ट की कमाई $82 मिलियन है, 312 मिलियन फॉलोअर्स है एंड ओके। तो ये जो है इसको मुझे यहाँ से स्प्लिट करना है। They are crushing it. Well, here is the secrets that I learned from MrBeast. ओके, यहाँ तक इसको मैं स्प्लिट करूंगी एंड ये जो क्लिप है इसको मुझे डिलीट करना है। तो सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक कीजिए। सिमिलरली इसको सिलेक्ट कीजिए एंड राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे आपको सबटाइटल्स शो हो रहे हैं, बट तो यहाँ पे ये तो मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ क्लिप है, बट मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसमें सबटाइटल्स ऑटो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये फीचर दिख रहा है सबटाइटल्स का, तो इस पे क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो सबटाइटलिंग। ओके, तो इस पे मैं क्लिक करूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइमलाइन भी यहाँ पे ऐड हुआ है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड देन आप यहाँ पे सबटाइटल्स जो है वो देख सकते हैं। आप इसको टेक्स्ट सेटिंग्स कर सकते हैं, आपको फॉन्ट कौन सा चाहिए, आप यहाँ पे फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, अलाइन करना है, या तो फिर कैरेक्टर स्पेस कितना चाहिए, लाइन स्पेस कितना चाहिए एंड प्रीसेट्स जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सिमिलरली आपको उसी तरह से यहाँ पे करना है। ये किस में है, ये सबटाइटल्स में है, और जो हमने देखा था पहले वो टेक्स्ट में देखा था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट बॉर्डर कलर, जूम इन, जूम आउट, देन पोजीशन, देन रोटेट, ओपेसिटी एंड शैडो, ये जो ऑप्शन है हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। तो आपको सिमिलरली वो जो मैंने आपको बताया वो सिमिलरली देख के आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सपोज ये जो वाइट कलर है टेक्स्ट कलर, इसको मुझे चेंज करना है, तो आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे हम इसको येलो रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आती हूँ एंड देन आप यहाँ पे एनिमेशंस लगा सकते हैं टेक्स्ट के लिए, जैसा मैंने आपको बताया इन, आउट, लूप, देन यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शंस है ये मैंने आपको ऑलरेडी टेक्स्ट के फीचर में बताया है, सिमिलरली आप सबटाइटल्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब मुझे इसका स्नैपशॉट चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे जो ये ऑप्शन है स्नैपशॉट का, इस पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्नैपशॉट यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्क्रीन। अगर आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वाला जो एरिया है ये आपको और ज्यादा चाहिए काम करने के लिए, तो आप यहाँ पे इसका जो स्पेस है वो इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। सिमिलरली आपको ये साइड भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगी। आप आपका वीडियो डाउनलोड करने के लिए आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे अगर आपको आपके फाइल को कुछ नाम देना है तो आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ वैष्णवी। ओके, एंड देन यहाँ पे आपको कहाँ पे सेव करना है आपका वीडियो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट वीडियो फॉर्मेट से देख सकते हैं MP4 या MOV, रिजोल्यूशन आपको कितना चाहिए आप 4K तक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे 1080p रखूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेम रेट भी आप 60 FPS तक रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 30 FPS रखूंगी एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है। ओपन फोल्डर पे मैं क्लिक करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है, मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। And they are crushing it. Well, here is the secrets that I learned from MrBeast. तो इस तरह से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। प्लस मैं आपको और एक बात बताऊंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हमने प्रोजेक्ट एडिटिंग और जो एडवांस एडिटिंग है ये सब कुछ हमने कवर किया। बट अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए स्टार्टिंग में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, यहाँ से भी आप डायरेक्टली आपका जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस इसके बाद यहाँ पे जो ये सबटाइटल मेकर है इसको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, एंड एआई वीडियो जनरेटर तो आप इसको भी यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स है वो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में शो होंगे। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, फोटो इन्हांसर एंड एआई वीडियो जनरेटर, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये हिटपॉप वीडियो एडिमेकर के नए फीचर्स है और ये बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप इसको भी ज़रूर यूज़ कीजिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। तो सपोज यहाँ पे मैं फोटो इन्हांसर का आपको बताती हूँ एक बार। तो ये मेरा फोटो है, ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो इन्हांसर VIP, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैं ऑन करूंगी तो ये अब इन्हांस हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं % ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो ये अब इन्हांस हो गया है। एंड अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइल नेम देके आपका जो फोटो है उसको इन्हांस करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं फिर से टूल बॉक्स में जाके AI वीडियो जनरेटर है इस पे मैं क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जनरल वीडियो एड्स एंड एक्सप्लेनेटरी वीडियो का ऑप्शन है, जनरेट स्क्रिप्ट्स, एड मीडिया एंड चूज टेम्पलेट। तो सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो माय नेम इज वैष्णवी, ओके, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैजुअल, प्रोफेशनल, फनी, इंफॉर्मेटिव, क्रिएटिव। तो सपोज यहाँ पे मैं प्रोफेशनल करती हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे बट यहाँ पे मैं इंग्लिश रखूंगी, एंड देन जनरेट स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूंगी। ये जो है ये पूरा AI की मदद से स्क्रिप्ट जनरेट हो रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया था वीडियो को स्टार्टिंग में, वो मैं आपको यहाँ पे आप प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ वीडियो के एंड में। तो जो लोग वीडियो के एंड तक है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा स्क्रिप्ट बन गया है। एंड देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आपके जो मीडिया है वो इंपोर्ट करने हैं, एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अगर आपको कुछ टेम्पलेट चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते। तो ये जो AI वीडियो जनरेटर है उसको आप इस जैसा मैंने आपको बताया उस तरह से यूज करके आप आपका AI वीडियो जनरेट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है आपको इस पे क्लिक करना है और आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, मतलब डाउनलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको हिटपॉप वीडियो एडिमेकर के सभी फीचर्स आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ इसके रिलेटेड क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके जो लिंक्स है ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप हिटपॉप वीडियो एडिमेकर ज़रूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंड देन अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको शेयर ज़रूर कीजिए, तो दूसरों को भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो आने वाले जो न्यू वीडियोस रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।